स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वाधान में निकाली गई विशाल भव्य तिरंगा रैली में हजारों की तादाद में देशभक्त युवाओं ने, शहर वासियों ने, ग्रामीण वासियों ने चोमू को तिरंगामय किया। 100 मीटर लंबा 15 फीट चौड़ा तिरंगा लहराया गया। यह रैली चोमू में ऐतिहासिक रैली बताई जा रही है। प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर मगध नगर भगत सिंह सर्कल तक पहुंची रैली संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर सरवन बराला का रैली में भाग लेने वाले सभी युवाओं, स्कूल के छात्र छात्राओं, व्यापार मंडल एवं संपूर्ण रैली में पधारे हुए आमजन का आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम, भारत माता की जय से चोमू गूंज उठा। आज चोमू गढ़ गणेश मंदिर से करीबन 7-8 हजार युवा, बुजुर्ग, कॉलेज के विद्यार्थी जिस तरीके से एक साथ जोश में शामिल हुए, चोमू में पहली बार जयपुर जिले में चोमू एक टाउन होते हुए राजस्थान का सबसे बड़ा फंक्शन, शहीद दिवस का यदि सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा तो वो चोमू में हुआ। इसमें विशेष तौर से 100 मीटर 20 फीट चौड़ा जो तिरंगा निकला, यात्रा निकली, शहीद आजम भगत सिंह, भारत माता की झांकियां निकली और उसके साथ 7-8 हजार का जिस तरीके से आज जो तिरंगा रैली निकली उसको देख के मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ। और यहाँ भगत सिंह सर्किल पूछ के करीबन 150-200 सैनिकों का सम्मान किया गया। आज जिस तरीके से चोमू के युवाओं ने और आसपास चोमू, आमेर, सापरा क्षेत्र के युवाओं ने जो जोश दिखाया, उनका सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो जनप्रतिनिधिगण और जो गणमान्य नागरिक गण पधारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो, वैसे देखो तो राजस्थान की यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो पानी है, और सबसे बड़ी दूसरी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी इसलिए है कि जो कृषि का कार्य कर रहे थे वहाँ पानी करीब करीब जा चुका है, सूख चुका है। यदि उन क्षेत्र में पानी वापस आ जाए तो बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और उनका जीवन व्यापन का साधन भी हो जाएगा। इसलिए यमुना का पानी जब बहुत ज़्यादा बाढ़ की दृष्टि में, बहुत ज़्यादा जब बरसात के टाइम में अति पानी बहता है बहुत ज़्यादा, वो अपने आराम से जयपुर जिले में लाया जा सकता है, बांडी नदी में छोड़ा जा सकता है, इधर ढोडसर नदी में छोड़ा जा सकता है। यदि इन दोनों तीनों नदियों में पानी छोड़ दिया जाए तो हमारे जो पानी का स्तर नीचे चला गया, जो हमारा सूखा एरिया हो गया, वो वापस लहला उठेगा। और मैं इसके लिए आज ये प्रण किया है सबके सामने, अगर इसके लिए यदि जान तक क्यों देनी पड़ी इस लड़ाई में, वो लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष की रूपरेखा बना के पानी लाने के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।